नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और चुनावी तपिश के बीच आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर एक बेहद अच्छी खबर लेकर आया, क्योंकि अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन सबसे अधिक हुआ है। यानी आज तक जितना कलेक्शन हुआ है हर महीने की दर से, सबसे अधिक कलेक्शन अप्रैल 2024 के महीने में हुआ है। यानी नव वित्त वर्ष की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। लेकिन अगर चुनावी तपिश की बात करें तो जाहिर है मुद्दे हर दिन अलग अलग उठाए जा रहे हैं, और इन मुद्दों के बीच में ही जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात नेता कहते हैं, जो बोल बोले जा रहे हैं, उनके पीछे की क्या मंशा है उसे समझना बेहद जरूरी है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री भ्रामक खबरों की बात करते हैं, भ्रामक नैरेटिव की बात करते हैं, तो उस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। डीप फेक की बात हम सब जानते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को फेक फैक्ट्री करार दिया। किस तरीके से झूठ या भ्रामक चुनाव प्रचार के माध्यम से मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, न्यूज नाइट में आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात की सभाओं में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा 2014 और 2019 के बाद 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन झूठ के सहारे मैदान में। मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का कारोबार खोलने का लगाया आरोप। कहा इनके मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री हो चुकी है। एनडीए नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में की रैलियां और रोड शो। कांग्रेस पर बोला हमला। अनुराग ठाकुर ने यूपी में किया प्रचार। योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने भी की धुआंधार रैलियां। विरोधी दल भी रैलियों और रोड शो के माध्यम से जनता से मांग रहे वोट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम में की रैली, तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनसभाओं में भाजपा सरकार पर किया वार। टीएमसी ने की कुणाल घोष के पार्टी महासचिव पद से छुट्टी। चुनाव आयोग ने के चंद्रशेखर राव पर 48 घंटे तक प्रचार पर लगाई रोक। प्रचार के बीच बाकी बचे चरणों के लिए नामांकन का भी काम हुआ तेज। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, अयोध्या से लल्लू सिंह और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति ने किया नामांकन। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने भी भरा अपना पर्चा। दस देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत में चुनाव देखने के लिए पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया इन लोगों के साथ संवाद। बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीकों के बारे में दी गई जानकारी। अयोध्या दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन। श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद सरयू पूजन और आरती में भी लिया हिस्सा। समंदर में और बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत। ओडिशा के बालासोर के तट से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट, देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में बड़ा मील का पत्थर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। जीएसटी संग्रह के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा। राजस्व संग्रह 2.10 लाख करोड़ के पार। रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू में भी इजाफा। तो
आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं चुनाव की ही खबर से, क्योंकि आज गुजरात दिवस है और इस दिन पर प्रधानमंत्री ने अपने गृह प्रदेश में चुनाव प्रचार किया और बनासकांठा के डीसा में रैली को संबोधित किया। और इस रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री पर निशाना साधा और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए गारंटी मांगी कि कांग्रेस लिखित में क्या ये दे सकती है कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। गुजराती भाषा का एक शब्द है चुटनी, जिसका मतलब होता है चुनाव। अपनी मातृभाषा में शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि वे चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में पहली जनसभा को संबोधित करने आए हैं। उन्होंने बनासकांठा की जिस रैली को संबोधित किया उसमें लोगों को गुजरात दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से 2014 के बाद जो जिम्मा उन्हें सौंपा गया उसका उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जमकर हमला बोला और फेक न्यूज फैलाने वाले नेताओं को चेतावनी दी। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं, तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है, अरे आओ ना यार, दो दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। पीएम ने कहा कि भाजपा कभी भी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने देगी। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को यह चुनौती दी कि वे लिखकर घोषणा करें कि कभी भी वे धर्म के आधार पर ना आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, ना संविधान में खिलवाड़ करेंगे, ना ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करें घोषणा, नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप मीडिया का, उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी रैली को साबरकांठा में संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है, इसलिए निराशा की गर्त में डूबी कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही। देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ जाए, लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है। उन्होंने 100 साल की आपदा, सबसे बड़ी आपदा कोरोना के दौरान यही खेल खेले। भारत का कोविड मिशन फेल हो, भारत का वैक्सीनेशन मिशन फेल हो, इसके लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। जब सीए कानून हम लाए, तब भी उन्होंने नकारात्मक फैला करके देश में तूफान फैलाने की कोशिश की। आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी।
पीएम ने यह भी कहा कि 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब उन पर कांग्रेस की सरकार कठोर कार्रवाई करने के बजाय पड़ोसी देश पाकिस्तान को डोजियर सौंपती थी, जबकि आज की सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं डोज देती है और घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो इनपुट के साथ चंद्रशेखर और धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुद्दों को इस तरह से पेश किया जा रहा है जो भाजपा पर गलत आरोप लगाते हैं, उसी को फेक फैक्ट्री कहते हुए प्रधानमंत्री ने जो बातें सामने रखी, जिस पर आज हमारा आज का विशेष भी आधारित है। और आज के हमारे विशेष में जो हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा वो यही कि कांग्रेस की फेक फैक्ट्री पर भाजपा का हमला। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर टीना करमवीर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ यादव भाजपा के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ आर राजगोपालन जी भी जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर टीना, यहाँ पर ये बात जरूर समझना चाहेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि जब चुनाव प्रचार होता है तो जाहिर है सभी दल अपने नजरिए से तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, लेकिन जो तथ्य रखे जाते हैं वो तथ्य है या झूठ, इस बात का आकलन किया जाना बेहद जरूरी होता है। आज जब प्रधानमंत्री ने बातों को सामने रखा तो आज देश भी इस बात का जवाब चाहेगा कि ये बात जो कही जाती है कि भाजपा 400 पार इसलिए चाहती है कि संविधान बदल सके, भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है जबकि हर मंच पर इस बात को नकारा गया, क्यों कांग्रेस इस तरह के झूठ को फैलाती है जनता के बीच जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आज श्रमिक दिवस है। मैं सभी श्रमिकों को, मजदूरों को, जिन्होंने देश की नींव रखी, सड़कें बनाई, रेल बनाई, सड़कें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और हम अपने मैनिफेस्टो में देखिए, हम अपने मैनिफेस्टो में ये लिख भी चुके हैं, कह भी चुके हैं कि 400 जो है नरेगा मजदूरी में दिया जाएगा मजदूरों के लिए। अच्छा, आपने आरक्षण, आपने संविधान की बात की। देखिए, ये इतिहास रहा है इन लोगों का, 100 साल का इतिहास हो गया है 1925 के लेकर, और अब 2025 तक इतिहास हो जाएगा। ये लगातार झूठ बोलते आए हैं और ये आरक्षण का, संविधान का विरोध करते आए हैं, और ये हम कई बार कह चुके हैं। आपने देखिए, ये लगातार ऑर्गेनाइजर में लेख लुक चुके हैं, और इससे पहले इनके सारे नेता आकर बयान दे चुके हैं। अब मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस विरोध कर रहे, कांग्रेस झूठ बोल रही है। देखिए, सबसे झूठों के सरदार, और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री जिनके जन्मदिन पर लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया हो, और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री। और अभी मुझे प्रधानमंत्री पर बहुत दया भी आ रही है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर बहुत दया आ रही है कि अभी तो दो चरण ही हुए चुनाव के, आप इतने मुखला गए हैं, इतने घबरा गए हैं। डॉक्टर टीना, आपने जो बात कही, मंगलसूत्र पर आना पड़ रहा है जी, आप जो कह रही है मैं उसी में सवाल लेना चाहती हूँ आपसे। आपने एक बात कही कि जब आप देख सकते हैं अभी तक जब से ये आए हैं सत्ता में या उससे पहले से, कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए 1949 में जब संविधान सभा पर, आप 2014 से 2024 आज के वर्तमान की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास खंगालने बैठेंगे तो फिर तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। न्यूज नाइट में हमारे पास संक्षिप्त समय होता है डॉक्टर टीना, पिछले 10 सालों में, क्योंकि आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल 2014 से 2024 का रहा, और अब जबकि चुनाव प्रचार हो रहा है तो उन 10 साल के बिहार को ही सामने रखते हुए प्रधानमंत्री अगले कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो जाहिर है कि हम इन 10 सालों तक अपने आप को सीमित रखें तो बेहतर रहेगा। 10 सालों में केंद्र सरकार ने संविधान को नाम मानने के या बदलने के ऐसे कौन से काम किए जिनको आप गिनाना चाहती हैं? विवेक देबरॉय का नाम सुना है आपने, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, आर्थिक सलाहकार है, बताइए वो आर्टिकल लिख रहे हैं, क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने आकर, और क्यों मोदी साहब ने उनको धमकाया नहीं कि आप इस तरीके के बयान क्यों रख रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बदल देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी, मतलब उन्होंने कहा इसलिए उनकी बात को आप आगे रख रहे हैं। बिल्कुल, और ये इन्हीं के शासनकाल में हो रहा है, अब तो मोदी जी कैसे बच सकते हैं? जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जो लगातार संविधान को बदलने की बात करते हैं, याद रखिए देश का संविधान बदल नहीं सकते, और बार बार ये बयान दे रहे हैं, नहीं नहीं झूठ फैलाने की कोशिश। डॉक्टर टीना, चलिए चलिए, ठीक ठीक, आपकी बात मैं समझ गई, आपकी बात मैं समझ गई, यानी आप किसी के भी बयान को उठाकर उसके आधार पर ये आरोप लगाएंगे कि अब ये सरकार में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे पहले मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं, एक बार आर राजगोपालन जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर टीना, आपने अपनी बात रखी, एक मिनट राजगोपालन जी को बोलने दीजिए। ये रशिया बनाना चाहते हैं,
ये पुतिन के खास दोस्त है, ये इस देश को पुतिन की तरह ही चलाना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य है। ये आपका नजरिया है, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है कि ऐसा होगा, लेकिन आपने जो बात कही शुरू में ही कि अभी तक ऐसा ही करते आए हैं, मैंने उदाहरण मांगा जो आप नहीं दे सके। माफी मांगी आकर डॉक्टर टीना, आपने अपनी बात रखी एक बार, चलिए चलिए ठीक डॉक्टर टीना, बस डॉक्टर टीना आपसे अनुरोध करती हूँ, अन्य मेहमानों को बोलने दीजिए। आर राजगोपालन जी आपका म्यूट है, ऐसे ठीक है। कांग्रेस का प्रवक्ता ने कुछ सुना नहीं है, उन्होंने कुछ सच नहीं रखा। 2024 का चुनाव मुद्दे क्या है, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला गुजरात में, उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, क्योंकि कांग्रेस में मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। 2024 में अब चुप रहना, आप नहीं बोलना, आप बीच में पर कब बोल रहे हैं, वो कब कांग्रेस बोल रहे हैं, कांग्रेस मर चुकी है, कांग्रेस का मांगी ना वोट नोटबंदी पर, अरे मांगी ना, चलिए आप तो कह रहे थे गंगा की सफाई, मेरे को लगता है ऐसे वाद विवाद से बात नहीं बनेगी। राजगोपालन जी आपसे बात, इसे आपके पास आऊंगी सवाल के साथ, उससे पहले सिद्धार्थ जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। उनका कहना है कि आप बीजेपी की ओर से भी ऐसे बयान आ रहे हैं जो दरअसल सत्य नहीं है, उन्होंने मंगलसूत्र की बात कही, और ये जब बात सामने आई थी, जब बयान सामने आया था बीजेपी की ओर से, तब कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि हमारे पूरे घोषणा पत्र में हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आग्रह करूंगा, उनके नाम के आगे डॉक्टर है और वो शिक्षित है, और शिक्षित होने का परिचय वो डिबेट पे भी दे, मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, तो मेरी बात को धैर्य रखें, ओरिजिनल डिग्री धैर्य रखें, नहीं वो इंटरव्यू नहीं करेंगे सिद्धार्थ जी, डॉक्टर जी ने अपनी बात रख चुकी है, आप अपनी बात रखें, अब धैर्य रखिए। अभी डॉक्टर टीना ने बात बोलने की शुरुआत करी और वो कह रही थी कि देश की सड़कों को बनाने वाले, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की याद तो कांग्रेस पार्टी को आएगी, क्योंकि इनके राज में तो 19 किलोमीटर की भी नहीं बन पाती थी, आज 40 किलोमीटर की बन रही है, देश में एक्सप्रेस वे कितने हो गए देश के अंदर, नहीं बोला अभी, बोला ना, मैं भी बोलूंगा नहीं नहीं, राजगोपालन जी और डॉक्टर टीना प्लीज प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। जी सिद्धार्थ देखिए, ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस मर चुकी है, कांग्रेस है नहीं, राहुल गांधी, राजगोपालन जी अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज, टाइम कम होता है हमारे पास, प्लीज सही तरीके से तथ्य सामने आए तो बेहतर रहेगा। राजगोपालन जी आपसे भी अनुरोध करती हूँ, प्लीज सिद्धार्थ जी को बोलने दीजिए। डिबेट को रेगुलेट करना आपका और आपके चैनल का काम है, टीना जी से फिर से आग्रह करता हूँ, मैं तो बदतमीजी नहीं कर सकता, आप सुन नहीं सकती एक मिनट तो फिर मेरी गलती नहीं है, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की इनके झूठ और फरेब से देखी जा सकती है, आज ये इस स्तर पर उतर आए कि इनको गृह मंत्री की एक डॉक्टर्ड वीडियो को चलाना पड़ा, इनको गृह मंत्री की एक एआई जनरेटेड वीडियो को लोगों के बीच में भ्रमित करना पड़ा, और फिर यहां बैठकर के संविधान की बात कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान में, जिनके कारण ये लिखना कहना पड़ा कोर्ट को कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिन्होंने संविधान की तार तार किया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, वो कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है। और कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखती है कि ये देश संविधान से नहीं शरिया से चलेगा, ये देश यहाँ पर रिजर्वेशन जो है उसमें काट करके एक धर्म विशेष को दे दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो नहीं कह गए थे, वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहती है, मैं तो पॉइंट वाइज मैं तो पेज और पॉइंट बता सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती है स्कॉलरशिप की धर्म के आधार पर देने चाहिए, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, अभी टीना जी अभी बताइए, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, मैं बड़ा संयम से बात करता हूँ, अरे आपको यहाँ भिजवा देते हैं, हम अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र भिजवा देते हैं आपके यहाँ, अब सुनेंगे पेज नंबर सुनेंगे, बता दूं जवाब तो देने दीजिए ना जी, मैंने कहा था आप शिक्षित होने का परिचय दीजिएगा, आप सुनिए बात को, आपके पेज नंबर 8 के पॉइंट नंबर 7 पे लिखा है, आपके पेज नंबर 8 के पॉइंट नंबर 7 पे लिखा है कि आप पर्सनल लॉस का प्रोटेक्शन करेंगे, पेज नंबर 24 के पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि इस देश में, मैं लाइन पढ़ देता हूँ, माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 5 बता दीजिए, आप कह रहे हैं मुस्लिम, बताइए कहां लिखा हुआ है, टीना जी सुनिए तो, आप बोलती रहेंगी, नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रही, तो आपके साथ थोड़ी बात ऐसे कर सकते हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रही, एक लाइन सिद्धार्थ जी और डॉक्टर टीना, झूठ मत फैलाइए सिद्धार्थ जी, डॉक्टर टीना
आप दोनों से अनुरोध करती हूँ इस वक्त, आपने जो बात को सामने रखा, पर्सनल लॉज में बदलाव किया जाएगा। डॉक्टर टीना का ये कहना है कि उसमें शरिया वर्ड तो नहीं है ना। आप जजेस को देश में धर्म के आधार पर अपॉइंट करेंगे, पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 5, 10 बार बोल देता हूं। जो संकेत जो नियत दिखती है डॉक्टर टीना, उसी को अपने शब्दों में पेश करें। लेकिन डॉक्टर नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी, अब मैं राजगोपालन जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। राजगोपालन जी, एक बड़ी बात यह है कि भारत जैसा एक बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां हम जानते हैं कि लगभग 97 करोड़ मतदाता है जो इस बार चुनाव में मतदान करने वाले हैं, कर रहे हैं, ऐसे में भ्रामक खबर, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, ये भ्रामक खबर मतदाता को प्रभावित कर सकती है। ये कितने बड़ा एक तथ्य है, एक सबक है जो हमारे दलों को, नेताओं को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग, हर शैक्षणिक स्तर के लोग हैं। ऐसे में सही बात को कैसे लोग पहचाने, बड़ी चुनौती हमारे चुनाव के लिए। ये फेक न्यूज फैक्ट्री है कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री ने आज सभा में बोला है, कांग्रेस जानबूझ करके फेक न्यूज फैला रही है, क्योंकि कांग्रेस को घबराहट है, 25 सीट भी नहीं मिलने वाले हैं 2024 में। दैट इज वाई कांग्रेस इज वेरी मच वरीड। मुझे लगता है बीजेपी का मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में देख करके, इसका सारा छोड़ दीजिए ममता जी, आने वाले दिन में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कैसे झूठ फैल सकते हैं दैट आरक्षण खत्म हो जाएगी, एससी एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगी। आज की दिल्ली पुलिस ने उसको सम्मन किया है, क्यों पेश नहीं हो रहा है कानून के सामने आकर के, कानून के नजरिया से जो उन्होंने गलत किया है, रेवंत रेड्डी ने माफी मांगना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 लोगों के लिए, एक तो अरेस्ट कर दिया असम में। तो देयरफॉर नरेंद्र मोदी के कहना ये है, बहम कर रहे हैं, फेक न्यूज कर रहे हैं, ये फेक न्यूज फैक्ट्री है कांग्रेस। आपने टाइटल भी रखा है डिबेट का, ये कांग्रेस फेक न्यूज फैक्ट्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इस पैनल में जितना भी 3 लोग होंगे, मैं कांग्रेस को अच्छी तरफ से कवर किया हूँ, उमा शंकर दीक्षित से, कमलापति त्रिपाठी दिन से। आज कांग्रेस इतना गिरावट में आ गया है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म चुकी है नॉर्थ इंडिया में। एक ही एमपी है उत्तर प्रदेश 80 MP में, तो कैसे बोल रहे कांग्रेस का प्रवक्ता, उन्होंने पढ़ करके आना चाहिए, बिना पढ़ करके। कांग्रेस इज बिकमिंग अ फेक न्यूज फैक्ट्री, जो प्रधानमंत्री ने बोला उसको मैं बड़ा दुर्दान चाहता हूँ। अननेसेसरीली दे आर क्रिएटिंग अननेसेसरी बहस पैदा, मैं आपके पास आ रही हूं डॉक्टर टीना, विपक्ष का जिम्मेदारी विपक्ष का जाना चाहिए जी। डॉक्टर टीना, ये जो गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो आया, जिसके बारे में रेवंत रेड्डी के बारे में राजगोपालन जी बात कर रहे हैं, इस एडिटेड वीडियो के तार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, जांच चल रही है, लेकिन इस तरह की खबर, इस तरह का काम, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी है, उसके द्वारा ये काम किया जाना, क्या इसको लेकर कहीं कांग्रेस में इस बात को लेकर गंभीरता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आलू से सोना बनाने का वीडियो किसने बोला था? ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला था, उसको एडिट किसने किया? एक छोर से दूसरी छोर जोड़ते रहेंगे तो मुद्दे पर आते हैं। किसने एडिट किया? मुद्दे पर आइए डॉक्टर, मुद्दे पर आइए, चुनाव प्रचार की बात हो रही है, ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है कि आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक संवेदनशील मुद्दा है आरक्षण इन चुनावों में, इस पर तथ्य पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन उस एडिटेड वीडियो में आरक्षण नहीं देंगे, इस बात को पूरी तरह से पलट दिया गया कि यह आरक्षण नहीं देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भाजपा अपनी तरफ से लगातार स्पष्ट कर रही है कि आरक्षण को लेकर कभी कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान के अनुसार से काम होगा, आज तक भी यही हुआ है। हमारे नेता का वीडियो इन लोगों ने क्यों एडिट करके, और इनके न्यूज फैक्ट्री जो ये फेक फैक्ट्री जो है अमित मालवीय क्यों चला रहे थे? हमने राहुल गांधी जी ने कब बोला उनका वीडियो किस तरीके से एडिट किया? ये टिट-फॉर-टैट है, हमेशा ऐसा करते हैं ये लोग। और एक एक बीमारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, माइथोमेनिया। दिल्ली पुलिस बोलने की बीमारी, आप मुद्दे से बिल्कुल भटक गई हैं, लेकिन ये वही बात है, जब भी चर्चा होती है ऐसे गंभीर मुद्दों पर, आरोप पर प्रत्यारोप उसका जवाब नहीं होता। कांग्रेस के पास इस मंच पर डॉक्टर टीना ये अवसर था कि वो अपनी बात को स्पष्ट तौर पर दर्शकों के सामने रखते, जो आपने नहीं रखी। लेकिन नहीं, एक नहीं, बात को दूसरी बात से सच साबित करना ये गलत है। अंत में टाइम कम है, आपने अपनी बात रखी, राजगोपालन जी ने बात रखी, अंत में सिद्धार्थ जी
और आज इतने बौखला गए, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी बोल रही है। आपको अवसर देना पड़ेगा नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। अमित जी ने लगातार, डॉक्टर टीना अगर आप मुझे 30 सेकंड्स दे दें, डॉक्टर टीना 30 सेकंड्स सिद्धार्थ जी के कर दीजिए, कांग्रेस का प्रवक्ता का वॉइस म्यूट कर दीजिए क्योंकि बोलती रहती है बीच में। राजगोपालन जी आप और डॉक्टर टीना दोनों से अनुरोध करते हैं, जस्ट 30 सेकंड्स टाइम कम है सिद्धार्थ जी, चलते चलते आपकी टिप्पणी। मैं ममता जी बस कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव है ये एक्सपोज हो चुका। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जब तक हम झूठ नहीं फैलाएंगे, भ्रम नहीं फैलाएंगे और ये जो अफवाहों का बाजार नहीं लगाएंगे, तब तक इनकी दाल गलेगी नहीं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद कर दी, उस दिन आप मान लीजिएगा कि इनको जीतने की कुछ उम्मीद है। जो पार्टी 40 पार का नारा नहीं दे पा रही, आज उसको इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है, जो देश की इतनी पुरानी पार्टी थी उसको इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है कि मात्र झूठ और प्रोपेगेंडा पे उस देश का चुनाव लड़ना चाहती है। मैं मानता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, रिस्पॉन्सिबल होना ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की भी यही जिम्मेदारी थी, पर कांग्रेस पार्टी कब अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगी और कब उसको समझेगी, ये देश की जनता ही चाहिए। ये उम्मीद करते हैं कि इन चुनावों में सच सामने रहेगा और झूठ या फेक फैक्ट्री या फेक न्यूज जो है उस पर लगाम कसी जाएगी सबके द्वारा। ऐसा कुछ काम ना किया जाए कि मतदाता भ्रमित हो। वक्त इतना ही है, तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज नाइट। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते फिर वोट दे आते। बेटा जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। दादा वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुक कर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Cut it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और अब बात चुनाव प्रचार की ही करें तो चुनाव प्रचार में सभी नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे ही हुए हैं और जब चुनाव प्रचार होता है तो बहुत बार नेताओं के बड़बोले बयान मुश्किल का सबब भी बन जाते हैं। अब देखिए ना, खड़गे साहब का बयान जहां पर वो राम और शिव की तुलना कर रहे हैं, राम से मुकाबले की बात कर रहे हैं, इसके बहाने उन्होंने भी एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में थमा दिया है। लेकिन वही वोट जिहाद जैसे शब्द भी चुनाव में सामने आ रहे हैं जिन्हें लेकर चुनाव आयोग के द्वार तक भी पहुंच रही हैं पार्टियां। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव में इंडी गठबंधन पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल और प्रियंका प्रचार में लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में प्रचार कर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करती है वो उसे पूरा करती है। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरे करने का काम, पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप
आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में यूपी की अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर पसोपेश की स्थिति अभी बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि इस पर जल्द ही फैसला होगा। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक बयान चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि आप भाजपा को वोट दें। तृणमूल के वोट दे माने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे देना, तृणमूल के वोट दे माने तब तक अनेक वाले बीजेपी के वोट दे देना। उधर टीएमसी में आंतरिक घमासान तेज हो गया है। पार्टी ने कुणाल घोष को पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाने वाले विचार व्यक्त करने के लिए राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया है। बात बाकी दलों की करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला। बिहार के दानापुर में आरजेडी नेता मीसा भारती ने बीजेपी की 400 पार को चुनावी नारा करार दिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख को 7 मई से बदलकर 25 मई करने पर नाराजगी जाहिर की। अगर भारत में 83% रोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ICU में जाएगी। पहले बीजेपी क्या 40 की 40 कह रही थी, फिर 400 पार कह रही थी, अब देश की जनता ने उस 400 का हवा निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की थी पार्टी के तरफ से कि ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। जाहिर से बात है कि बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं ये उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। वहीं सिकंदराबाद लोकसभा सीट से BRS उम्मीदवार शेगुल्ला पद्मराव ने चुनाव प्रचार किया। चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा संपत्ति के पुनर्वितरण और विरासत कर के विचार के खिलाफ छात्रों में रोष है। नई दिल्ली में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने एक कांग्रेस पार्टी के संपत्ति के पुनर्वितरण और विरासत कर के विरोध में मार्च निकाला। यूथ फॉर विकसित भारत के बैनर तले 700 से अधिक छात्र इस शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हुए। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के समीप इन छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। इन छात्रों ने आरोप लगाया कि मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति छीनने का कांग्रेस पार्टी का विचार खतरनाक है, जो पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहे न्यूज नाइट। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इससे कड़ी धूप में मीले चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी उसको वोट देने की गारंटी हमारे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकी है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। देश में एक ओर तेज गर्मी पड़ रही है तो दूसरी ओर चुनावी घमासान की तपिश भी
हर कोई महसूस कर रहा है। आए दिन अलग अलग मुद्दों के माध्यम से अलग अलग नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा, राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, संविधान से जुड़े बयान इस घमासान को और धार देते नजर आ रहे हैं। चुनावी समर में इस तरह के बयानों से उपजा विवाद राजनीतिक अंक गणित को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर भी है सबकी नजर। तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। संविधान से लेकर आरक्षण और एडिटेड वीडियो को लेकर दोनों दलों में जुबानी जंग लगातार जारी है। तो ताजा मामला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर राहुल गांधी के बयान का, जिस पर दोनों दल आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आदिवासी होने के कारण राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला था। इस आरोप को राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी तरह से असत्य और निराधार बताया, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। हमें राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब राज के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। वहीं कांग्रेस बार बार बीजेपी और मोदी सरकार पर तीसरी बार सत्ता में आने पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी इस मामले में भी कांग्रेस को करारा जवाब दे रही है। क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, अभी चुनाव का वक्त है, उनको बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बोल दिया होगा, भागवत बाबू क्या बोल रहे हैं आप। ये एक जानबूझकर रणनीति अपनाते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा पर आप बोलते जाओ, इस संविधान की आलोचना करते जाओ। मोदी जी ने इस बात को पिछले कुछ समय में कई बार दोहराया है कि संविधान को बदलने का मादा, संविधान को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है। बदलने का सबसे बुरा कुत्सित प्रभाव प्रयास किया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। संविधान को सस्पेंड करने का सबसे गंभीर प्रयास और सबसे गंभीर दुष्परिणाम देने वाला प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। आरोप प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के बयान का मामला भी ठंडा नहीं हो रहा। इस मामले में मारिया के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हुए है। आज तक मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया है तो क्या समझा जाए? क्या ये कांग्रेस पार्टी का भी विचार है? तो जब जैसे सनातन के अपमान पे कांग्रेस पार्टी चुप थी, आज यही हो रहा है कि इस प्रकार के जो बयान है उस पे भी कांग्रेस पार्टी चुप है। और यही चीज दिखाती है कि जब आपकी मूक सम्मति होती है तब आप चुप रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी घिर गई है। खड़गे ने कल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में राम और शिव की तुलना कर दी थी। बीजेपी इसे सनातन का अपमान का मसला बता रही है। ये खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग जारी है और इस जंग में हर दिन मुद्दे जोड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने नेहा हिरेमत के माता पिता से आज मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने हत्यारे फैयाज के खिलाफ कड़ी सजा की भी मांग की। गौरतलब है कि हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा हिरेमत की 18 अप्रैल को बीबीबी कॉलेज परिसर में उसके पूर्व सहपाठी फैयाज ने चाकू मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उनके माता पिता से मिलने के लिए। और आज देश में आर्थिक मोर्चे पर जो अच्छी खबर आई है उससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट।
मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। मैके जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद बात उस मुद्दे की जिसने आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश तो दिया ही है और वो है जीएसटी की बात, जीएसटी कलेक्शन। क्योंकि कह सकते हैं कि आज जीएसटी ने एक नया इतिहास रच दिया। कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि नए वर्ष में नया इतिहास रच रहा है जीएसटी, क्योंकि पहली बार जीएसटी कलेक्शन 2,00,000 करोड़ के पार हो चुका है। यानी अप्रैल 2024 में ये कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए रहा। लेकिन ये दरअसल ये भी दिखाता है कि जो सालाना वृद्धि दर्ज की जा रही है उसमें 12.4% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल 2023 की अगर हम बात करें, एक साल पहले की बात करें, तो ये कलेक्शन 1,87,000 करोड़ के करीब था। लेकिन साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि जीएसटी कलेक्शन के साथ ही नेट रेवेन्यू यानी रिफंड के बाद जो नेट रेवेन्यू आता है उसमें भी 17% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और नेट रेवेन्यू भी 1,92,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी 1,92,000 करोड़ का तो नेट रेवेन्यू ही हमारे पास आया है और ये भी देखें तो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। तो जीएसटी के मोर्चे पर कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर है। अगर आगे बढ़ें तो आपके सामने ये भी हम आज एक तस्वीर रखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये कलेक्शन महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है जीएसटी कलेक्शन? क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का एक संकेतक है। यानी ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और जब हम लगातार इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें इस जीएसटी का यही आंकड़ा इस बात को भी, तथ्य को भी साबित करता है एक बार कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम आपके सामने इस तस्वीर को भी रखना चाहेंगे कि कैसे हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है जो इकोनॉमी के भी अच्छे संकेतक देता है। यानी अगर हम यात्रा पर्यटन की बात करें, दरअसल एक रिपोर्ट आई है एनएलबी की, क्योंकि एनएलबी सर्विसेज ने जो रिपोर्ट दी है, यानी वो वैश्विक प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रतिभा समाधान प्रदाता कंपनी है जिनकी रिपोर्ट आई है जो पूरी तरह से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र पर ही आधारित है। वो आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे यहां पर कि यात्रा और पर्यटन को लेकर उनका ये मानना है कि इसके जरिए ये एक रोजगार का इंजन है ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र में 2033 तक 5,82,00,000 नौकरियां उत्पन्न होने का स्कोप है इस क्षेत्र के पास। वहीं अगर हम और बात करें आपके सामने तो हम दिखा सकते हैं आपको कि कैसे रोजगार का इंजन इसको बोला जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो कौशल युक्त यानी जो मांग है, रोजगार की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और इस मांग में 44% तक की बढ़ोतरी अभी तक ही दर्ज की गई है। कौशल युक्त कार्यबल चाहिए इस क्षेत्र में क्योंकि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। यही नहीं बल्कि आगे बढ़ के आपके सामने ये भी रखते हैं कि किस तरीके से यात्रा और पर्यटन का जो क्षेत्र है ये हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को लाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नौकरियों से आगे बढ़े तो हम ये पाते हैं कि अगर हम विदेशी मुद्रा के स्रोत की बात करते हैं तो 2022 में आपके सामने आंकड़े हैं 16 ट्रिलियन से कम, लेकिन 15.9 ट्रिलियन रुपए इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से, ट्रैवल और टूरिज्म के माध्यम से देश में आए हैं। और 2023 में ये आंकड़ा बढ़ गया है, 2023 में ये 16.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। तो इतना इसके इक्विवेलेंट फॉरेन एक्सचेंज इस सेक्टर में ही हमारे देश में आया है। तो ये एक अच्छा, एक सकारात्मक संकेत रखता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जो यात्रा पर्यटन क्षेत्र है इसको लेकर ये जो कहा जा रहा है कि जो उभरते हुए राज्य हैं, 5 राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। लेकिन साथ ही साथ इस रिपोर्ट में इस बात को भी सामने रखा गया है कि कैसे जो टियर 2 सिटीज़ हैं जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़ जैसे सिटीज़ भी हैं, कैसे ये सिटीज़ भी हैं जहाँ पर ये क्षेत्र मजबूती से पैर फैला रहा है और यहाँ भी जॉब्स बढ़ रही हैं।
चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने कुछ और हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़ी ही तस्वीर के कुछ और पहलुओं को सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है, लेकिन वहीं अगर हम अपने अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य बातों को देखें तो हम ये भी पाते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी से जुड़े बेसिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे 8 आधारभूत क्षेत्र हैं, उनमें भी किस तरीके का बदलाव आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को देखा जा रहा है कि इस वक्त 16 साल के उच्चतम स्तर पर हैं, और ये केंद्र मंत्रालय के ही आंकड़े हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। यूपीआई का लेन देन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, मार्च में ही ये 13.4 अरब की ट्रांजेक्शन हुई है यूपीआई के माध्यम से। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में इतना पॉपुलर हुआ है यूपीआई, और इसकी वजह से पूरे विश्व में ऐसी लेन देन नहीं हुआ जितना हमारे प्लेटफॉर्म यूपीआई के माध्यम से हुआ है। यूपीआई से आगे अगर अन्य बातों की भी बात करें, आपके सामने रखें, तो आप देख सकते हैं कि सकल मुद्रास्फीति में भी आंकड़े दिखाते हैं कि कमी आई है। जहां फरवरी में 5.1 था, वहीं मार्च में ये 4.9 तक पहुंच गई है। तो अलग अलग मोर्चों पर कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर काम कर रही है, ये तो बात है ही, लेकिन बुनियादी क्षेत्रों का भी रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन बुनियादी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो 8 बुनियादी क्षेत्र हैं वहां पर भी, लेकिन उससे पहले ईपीएफओ की बात करना चाहेंगे, क्योंकि ईपीएफओ के ग्राहकों में वृद्धि, केंद्र सरकार लगातार इस बात को सामने रखती आई है कि जब ईपीएफओ के ग्राहकों में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, और ये आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं। 21-22 से लेकर 2023 तक के ये आंकड़े आपके सामने, आप देख सकते हैं किसी किसी साल दर साल ईपीएफओ में नए ग्राहकों में वृद्धि हो रही है, और ये नए ग्राहक दिखाते हैं कि जब ये वृद्धि हो रही है तो रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए अब बुनियादी क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कहता है कि ये जो 8 बुनियादी उद्योग हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि कुछ आंकड़ों के माध्यम से सामने रखेंगे। ई कौन कौन से क्षेत्र हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, और ये वही हैं जो हमारे देश के विकास को भी गति देते हैं, और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। अगली स्लाइड पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम मार्च और फरवरी की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, और ये कारक ये इस बात की तस्वीर को सामने रखते हैं। उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो कच्चा तेल, सीमेंट और बिजली, अगर सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों को सामने रखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे कच्चे तेल में 2%, सीमेंट में 10.6% और बिजली में भी 8% की बढ़ोतरी उत्पादन में वृद्धि हुई है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती नजर आ रही है। ये सारे तथ्य आपके सामने हमने इसलिए रखे थे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जब सरकार की ओर से कुछ ठोस निर्णय लिए जाते हैं तो वो तमाम निर्णय इस बात को दिखाते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार और इनकम, ये सब फैक्टर्स वो हैं जिनको तेज गति मिल सके, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग इसी के माध्यम से सुनिश्चित हो पाती है। खैर, यहां पर एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज लाइट में हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डालकर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इस कड़ी धूप में मीले चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी उसको वोट देने की गारंटी हमारे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। भारत में चुनाव देखने के लिए 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाजपा मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी के फॉरेन सेल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने संवाद किया। बीजेपी को जानो कार्यक्रम के तहत ये आयोजन किया गया। बैठक में विदेश से आए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीकों के बारे में बताया गया। ये दल 3 अलग अलग राज्यों में जाएंगे, और विदेशी प्रतिनिधियों ने देश के विकास की तारीफ भी की।
I've come here as a representative of Bangladesh Awami at the invitation of Bharatiya Janata Party BJP to see the election preparations, publicity, and election campaigns of BJP, and also their preparations. I'm really excited to see the developments in India. I can tell you that actually for this progress and development, Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, and his party, BJP, can claim the credits. And there are many things to learn from India. They invited us to come because if they had something to hide, they wouldn't want us to come. Modi is good because through his party, whatever he has promised, he has done it. Promise India to become a nuclear state, it is. Promise the Indians that they will move India to a developed country. We are almost there. So he stands by his promise. And if you judge him by the 10 years promises in the manifesto and implementation, I think he's a good person. हर समाज में हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं वे श्रमजीवी जिनके योगदान को विश्व सलाम करता है। पहली मई को जब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज है पहली मई। भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए लेबर कोड भी संसद में पारित किया गया। यही नहीं, ई श्रम कार्ड जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल भी काम कर रहा है। एक मई यानी वो दिन जब दुनिया याद करती है मजदूरों को, उनके श्रम को, उनकी मेहनत को। यही वो दिन है जब मजदूर मीडिया की सुर्खियों में रहता है। हर साल एक मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम को सराहना एवं उन्हें सम्मान देना और उनके अधिकारों के लिए आवाज भी उठाना है। इस साल की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम है एंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिडिस क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। देश में मजदूर दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं बात भारत की करें तो देश में सरकार ने श्रमिकों के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, जिससे श्रमिक भी संतुष्ट दिख रहे हैं। पीएम मोदी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कई बार देश के श्रमिकों को सम्मान देते हुए देखे गए हैं। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य स्तर पर कुंभ का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के बाद पीएम मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के निर्माण में लगे श्रमिकों को सम्मानित किया था। पीएम ने कॉरिडोर का निर्माण करने वाले श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए थे और उनके साथ लंच भी किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने 11 श्रमिकों को सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले मजदूरों को पीएम मोदी ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर भी बुलाया था। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों को पीएम मोदी ने सम्मान दिया था। उन्होंने मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया और उन पर फूलों की बारिश की थी। साल 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की गरीबी तेजी से घटी है। देश में असंगठित श्रमिकों के भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयकों को संसद से पारित किया गया। असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। ई श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक और कामगारों को दैनिक जीवन के गुजर बसर के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब तक 29 करोड़ से ज्यादा मजदूर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 31 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कुल 1.77 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत किया गया। इसके अलावा सरकार ने मजदूरों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। आज के दिन को हम श्रमिकों के लंबे संघर्ष के लिए याद करते हैं। उचित और समान वेतन, सुरक्षित काम करने की स्थिति, संगठित होने और अपनी आवाज कार्यस्थलों, अदालतों और सरकार में सुने जाने के अधिकार के लिए याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आज की दुनिया के निर्माण में श्रमिकों के योगदान और बलिदान को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमारा देश, हमारा जीवन सवारते हैं ये श्रमजीवी। आज के न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सभी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बता दें कि दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल और इसी तरह से कई अन्य स्कूलों में बम के होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि प्रज्वल रेवन्ना को जारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किया जाए। साथ ही सीएम सिद्धरमैया ने पत्र में ये भी कहा है कि वह अश्लील वीडियो मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को पकड़ने में मदद करने के लिए प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। संयुक्त सचिव अनुराधा एच चागसी की उपस्थिति में आयोजन इस सत्र में विज्ञान भवन एनएक्सी परिसर में तैनात सीआईएसएफ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। एनआईए ने अटारी ड्रग्स मामले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक इसमें कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए की टीम ने दिल्ली और दरियागंज इलाके में अदहर सईद के घर की तलाशी ली और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली है। अनुज थापन ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस अनुज थापन को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने अनुज को मृत घोषित कर दिया। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के